कोई जुआ खेल रहा है तो जितनी देर तक जुआ खेलेगा उतनी ही देर तक गुनाह मिलेगा। वहां से हट गया, बिस्तर पे सो गया, टहलने कहीं चला गया, पुलिस को देख करके भाग गया, अब उस गुनाह से बच गया। जितनी देर तक वो बैठा हुआ खेल रहा था गुनाह मिलेगा, सो रहा है तो जुआ खेलने का गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो पहने हुए है ना, इसका मीटर जो है गुनाह का, ये हरदम चलता रहता है, चाहे जागते में रहो, चाहे सोए रहो, किसी भी हालत में रहो, ये गुनाह का मीटर चलता रहता है। अब इसी हालत में अगर मस्जिद में गए, आप उलमा से पूछ लीजिए, कहेंगे जिसने इस तरह से नमाज पढ़ी उसकी नमाज नाजायज है, मकरूह है, तहरीमी है, वाजिबुल इआदा है। हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने के लिए गया, वो भी नाकिस और अधूरी करके चला आया और कहता मैं मुसलमान हूँ, और उसके बाद में जब ठोकाई होती है तो कहता हम मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं। सुन, ये मुसलमान है इसलिए नहीं मारे जा रहे हो, मुसलमान को तो इज्जत खुदा ने दी है। कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत खुदा के लिए है, खुदा के रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है। मोमिन जलील होने के लिए नहीं आया है, जलील उस वक्त होता है जब मुस्तफा की बारगाह का गद्दार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने जाता है और उसका हाल यह है, किसी वक्त कोई बाइक बहुत जोर से तेज से लेकर के जाता रहा होगा और गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो दूर तक रोड पर वो घसीटता हुआ चला गया। अब उसकी पैंट फट गई, अब सोचा बाजार में कहाँ जा करके मैं पैंट बदलूं। अब उसी फटी हुई पैंट को पहन करके उसने अपना काम किया, सीढ़ी लोगों ने देख लिया, सोचा ये भी कोई फैशन है, अच्छे खासे पैंट को फाड़ फाड़ करके पहनना शुरू कर दिया। कोई प्राण पे फाड़ रहा है तो कोई पिडली पर फाड़ रहा है, कोई पुट्ठे पर फाड़ रहा है, और इतना दिमाग फट गया कि इसी हालत में इसी लिबास में मस्जिद चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। और फिर जब वो नमाज पढ़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो रुकू में जाता है तो जिस जगह को छुपाने का हुक्म है दूसरों की नजर में वो जगह आती है, खुद भी गुनहगार होता है, दूसरे को भी गुनहगार करता है। आदमी जब परेशान होता है, अल्लाह तबारक व तआला लोगों की इस्लाह फरमाए। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, बीवी नहीं बची, बीवी चली गई, आपका वजू टूटता है, इस्तिंजा करेंगे वजू टूटेगा। और अगर आपने नमाज पढ़ी, नमाज शुरू की और आपने नमाज में हा हा कर दिया, ठट्ठा लगा दिया, तो नमाज भी टूटी और वजू भी टूट गया। नमाज और वजू दोनों दोनों टूट गए। आपने रमजान का रोजा रखा और दिन में जानबूझ करके खा लिया, बताइए रोजा टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना, तो वजू करें वो टूट जाए, नमाज पढ़ रहे हो तो टूट जाए, रोजा रखें वो टूट जाए। लाखों रुपया लगा करके हज करने के लिए जाते हैं, उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, माशाल्लाह मौलाना आसिफ साहब बहुत बासलाहियत आलिम भी, हाफिज भी है, आलिम भी, आप इनसे पूछ लीजिए, ना कोई दस्तियाब। मौलाना इजहार साहब के कमरे में जरूर भारी शरीयत होगी, उनसे पूछ लीजिए। आप लाखों रुपया लगा करके हज करने के लिए गए और आपने एहराम बांधा और एहराम की हालत में वो काम कर दिया जो करने मना है, तो आपसे कहा जाएगा आपका एहराम टूट गया। और हज के दरमियान अगर आपने ऐसी हरकत कर दी तो कहेंगे हज टूट गया, तो हज टूट जाए, एहराम टूट जाए, नमाज टूट जाए, रोजा टूट जाए, वजू टूट जाए, बताइए निकाह नहीं टूटेगा, ईमान नहीं टूटेगा? याद रखिएगा, ईमान भी टूटता है और निकाह भी टूटता है। कोई हंसी में अगर कह दे कि मैंने अपनी बीबी को तलाक दिया तब भी निकाह टूट जाएगा, सीरियस होकर के कहे तब भी निकाह टूटेगा, अगर कोई मजाक में कुफर बके तब भी ईमान टूटेगा, और अगर संजीदा होकर के कुफर बके तब भी ईमान टूटेगा। कोई ये ना कहे हम कलमा पढ़ते हैं नबी का तो हम इस्लाम पर एहसान करते हैं, 1400 साल पहले कुरान ने ऐलान कर दिया कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ऐ मेरे मुस्तफा
आप ऐलान कर दो कि अगर कलमा पढ़ते हैं तो मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान न जताएं, ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हारे दिल में अजमत ईमान पैदा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बड़े पीर साहब आप वहीं फिर आ जाइए। बहुत हजरत बड़े पीर साहब ने फरमाया उस नौजवान से जाकर के कह दो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका हल बताता हूँ। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया जा करके उस नौजवान से कह दिया जाए वो सफर करे। पहुंचे मक्का मुकर्रमा, खाने काबा के सामने जा करके खड़ा हो जाए और जो लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए रोक दे। खाने काबा का जो लोग तवाफ कर रहे हैं लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक दे और ये खुद खाने काबा का तवाफ शुरू कर दे, इसलिए कि खाने काबा पूरी कायनात में एक है और जब ये तवाफ करेगा तो यही वो इबादत कर रहा होगा पूरी दुनिया में और कोई इबादत नहीं करेगा, तो इस तरह से उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी बीवी पर तलाक। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग समझते हैं वली जो होता है वो बेपढ़ा लिखा होता है, बेपढ़े लिखे लोग हों और आए लंबे लंबे बाल रख करके दसों उंगलियों में अंगूठी पहन करके हजारा तस्बीह गले में लटका कर और एक वक्त की नमाज न पढ़े और सर झुक झुमा घुमा करके हाथ में कहीं से हाथ इधर उधर करके ये जिलेबी लाके रख दिया, वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, पहुंचे हुए बाबा हैं ये। शायद ऐसे ही लोगों को देखकर हजरत सुल्तानुल वाइजीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी ने फरमाया था आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, सिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, ये लंबे लंबे बाल तो रोटी के वास्ते, ये सुर्ख है रुमाल तो रोटी के वास्ते, महफिल में आए हाल तो रोटी के वास्ते, तस्बीह है दुल जलाल तो रोटी के वास्ते, ये सारे किलो काल है रोटी के वास्ते। मैंने अपनी आंख से एक ऐसे शख्स को देखा कि जो क्लीन शो रहता था, नमाज तो बहुत दूर और दीनदारी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब वो दुनिया से गया तो उसके मुरीदों ने उसके नाम के आगे लिखा कुतुबे जमान। मैंने पोस्टर में जब देखा उसके लिए कुतबे समाना, मैंने दिल में सोचा कयामत करीब आ रही है, इसलिए कि जब बद किरदारों को कुतबे वक्त बना करके पेश किया जाएगा तो जो सही दीनदार है उनकी पहचान नहीं कोई कर पाएगा, नतीजा ये होगा उन्हीं गुमराहों के पीछे चल करके खुद भी अपना ईमान बर्बाद। सैयदना गौसे पाक 40 साल तक पढ़ते हैं और उसके बाद में जब तक आप इस जाहिरी हयात में रहे तब तक आप पढ़ाते रहे कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, तफसीर का इल्म, फिक्र का इल्म, उसूल फिक्र का इल्म, जितने उलूम राइज थे सैयदना गौसे आजम सब पढ़ते और पढ़ाते रहे। और जब आपको रब की तरफ से इजाजत हुई तो आपने कसीदे में फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया और उस इल्म के मुताबिक मैंने अमल किया तो रब्बे कदीर ने मुझे अपने जमाने का कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि बगैर इल्म के गाड़ी खिसकने वाली, बेशक। इसलिए अपने बच्चों को बच्चियों को दीन का इल्म दीजिए, बेशक। और उसके साथ साथ रसूल पाक की मोहब्बत इनके दिलों में बिठाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लमु औलादकुम, अपनी औलाद को अपनी नस्लों को सिखाओ। क्या सिखाओ? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरी मोहब्बत कुरान की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत तुम अपनी नस्लों के दिलों में डालो ताकि तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे बच्चे नबी के गद्दार न बने बल्कि नबी के वफादार बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बहुत खूब। आप अपने बच्चों को दीन का इल्म इतना दे दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें ये गौसे पाक के गद्दार ना होने पाए बल्कि उनके वफादार बन के रहें। आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में थे तो सुन्नी सही अकीदा थे, बड़े पीर साहब को भी मानते थे, शेखुल आलम की बारगाह में भी हाजिरी देते थे, हजरत शाह मीना और हजरत सिदना अब्दुल रज़ाक पांचवी की बारगाह में भी फैज़ो बरकात के लिए जाते थे, बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी देते थे, मगर कहीं कॉलेज में चले गए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, आजाद माहौल मिला, आने के बाद बदअकीदा हो गए और कहा ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। देखते देखते
न जाने कितने लोगों ने अपना अकीदा बर्बाद कर दिया। सुन्नी सही अकीदा थे, बुजुर्गों से अकीदत थी, मगर उनका माहौल बदला तो उन्होंने अपना अकीदा भी बदल दिया। न जाने कितने ऐसे लोग, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? बात यह है कि उनको दीन की वो तालीम पुख्तगी के साथ नहीं दी जाती है। ये दुनिया के किसी गोशे में रहें तो फख्र से कहें कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं, ये फख्र से कहें हम ख्वाजा के दीवाने हैं। इनको वो तालीम नहीं दी जाती है कि जिसकी बुनियाद पर ये फख्र से कहें हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है, हम किसी जाहिल जमात से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, हमारी जमात में तनहा एक आलिम इमाम अहमद रजा ऐसा गुजरा है कि पूरी दुनिया में उनके दौर के 2 साल पीछे और अब तक कोई उनका सानी पैदा नहीं। हक है, बहुत खूब। 1000 किताब लिखी है इमाम अहमद रजा ने, सुभान अल्लाह, एक दो नहीं, कितनी किताब, 1000 किताब लिखी है आला हजरत ने। जब किसी ने कोई एतराज किया, इमाम अहमद रजा ने फौरन उसका जवाब दिया। अगर किसी ने कहा गौसे पाक इतनी दूर से मदद कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत दूर है, उनको मदद के लिए पुकारोगे तो ये शिर्क हो जाएगा, इमाम अहमद रजा ने कलम चलाया और फिर दलाइल के अंबार लगा दिए और कसम खा करके कह रहे हैं कि तू जरूर सुनेगा, चाहे कोई करीब से पुकारे चाहे कोई दूर से पुकारे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। क्या कहने, बहुत खूब। आप लोग यहां बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह, बताइए खुदा मौजूद है कि नहीं, तो आप भी मौजूद, और बताइए ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ, आप भी मौजूद खुदा भी मौजूद, बताइए ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ, खुदा के बराबर हुए कि नहीं हुए आप? भाई आप कह रहे हम भी मौजूद हैं खुदा भी मौजूद है, बराबरी हो गई कि नहीं हुई? हो से सोच समझ करके बोलिएगा। आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा भी सुन रहा है, और बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? यही नुक्ता कुछ लोगों की समझ में नहीं आता। बेशक हमने अगर कहा या गौसल मदद, उधर से शिर्क का भी जाइल उठाया, उसके बाद में दाग दिया कि ये शिर्क हो गया, चलो तुम इस्लाम से निकल गए। कहा क्यों? कहा दूर से सुनना अल्लाह की सिफत है, तुमने बड़े पीर साहब के लिए ये सिफत मान दी, ये शिर्क हो गया। जो चीज अल्लाह के लिए होती है वो तुम नबियों को वलियों के लिए साबित करते हो, ये शिर्क हो गया। तो उनसे आप कहिए कि भाई आप भी मौजूद है खुदा भी मौजूद है, आप भी सुन रहे हैं खुदा भी सुन रहा है, आप भी देख रहे हैं खुदा भी देख रहा, बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो जो खुदा से बराबरी करे वो मुसलमान रहेगा नहीं। तो जितने लोग कह रहे हैं बराबरी है और कह रहे हैं हम भी मौजूद खुदा भी मौजूद, तो क्या बराबर हो करके ये सब कुफर में चले गए, आप लोग काफिर हो गए? माज़ल्लाह रब्बिलान। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी लोग सबको काफिर बनाते हैं, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत काफिर नहीं बनाते, बल्कि जो काफिर बनने की कोशिश करता है हम लोग बचा बचा करके उनको ले आते हैं कि मत जाओ कुफर के दलदल में, गुमराही के दलदल में मत जाओ, आओ अभी भी वक्त है, उलमा अहले सुन्नत के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बता। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने नौजवानों को बताओ, इन बच्चों को बताओ कि शिर्क क्या होता है, कुफ्र क्या होता है। इनको जब यही बदअकीदा सुनाता, अरे दूर से खुदा सुनता है, तुम बड़े पीर साहब को बुलाते हो, ये शिर्क है कुफ्र है, ये मत करो, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देगा मगर शिर्क माफ नहीं करेगा, सब शिर्क है, कहेगा हाँ बात तो सही है। अब उसी दिन से कहा ये बुजुर्ग मर गए, इनसे क्यों मांगते हो, उनके मजार पे क्यों जाते हो, वहाँ चादर क्यों चढ़ाते हो, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, या ख्वाजा क्यों कहते हो, या गौस क्यों कहते हो, ये सब शिर्क। आकर के उसने कौम को गुमराह करना शुरू कर दिया। और अगर वो जानता कुछ भी तो कहता भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप मौजूद है ना इस वक्त, तो क्या वो कहेगा कि मैं नहीं हूँ? कहेगा कि हाँ हाँ मैं भी हूँ। अब उससे दूसरा सवाल कीजिए कि अगर आप हैं तो बताइए खुदा मौजूद है कि नहीं है? तो इतनी तो हिम्मत है नहीं कि वो कह दे कि नहीं है, वो कहेंगे कि है। तो अब आप कहिए कि खुदा भी मौजूद आप भी मौजूद, तो बराबर हो गए ना? क्या जवाब होगा इसका बताइए तो जरा, अगर मैं आपसे सवाल कर लूं। भाई देखिए नाराज मत होइएगा कि हम लोगों से सवाल करके बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बताइए
क्या जवाब आप देंगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद, आप भी सुनते हैं, खुदा भी सुनता है, आप भी देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा है, तो बराबरी हुई कि नहीं हुई? आपने कहा है हाँ बराबरी हो गई, बजाहिर बराबरी हो गई, मगर फिर भी कोई मुफ्ती ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि कह दे कि ये काफिर हो गए, ये मुशरिक हो गए, इन्होंने शिर्क किया। बल्कि वो कहेगा सुनो सुनो, बात ये है खुदा भी मौजूद है, हम भी मौजूद है, मगर खुदा मौजूद है बजाते खुद, उसको किसी ने वजूद नहीं बख्शा है। हम मौजूद हैं तो खुदा ने हमें बनाया तब मौजूद है। वो सुनता है, उसको सुनने की ताकत किसी ने दी नहीं है, वो खुद सुनता है, मगर हम उसकी दी हुई ताकत से सुनते हैं। अब आप सीना तान करके बोलिए सुनो, खुदा भी सुनता है मगर उसको सुनने की किसी ने ताकत दी नहीं है। और मेरे खौस अगर बगदाद से सुनते हैं तो खुदा की दी हुई ताकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए अगर किसी बुजुर्ग को पुकारा जाए तो ये शिर्क नहीं है बल्कि ये मोहब्बत का तकाजा है। अब रही ये बात कि बुजुर्ग दूर से सुनते कैसे हैं, फिर कभी मौका मिला किताबें देख करके आप खुद भी हल कर सकते हैं, उलमा से मिलिए कभी मौका मिला, तो मैं भी अर्ज करूंगा कि गौस कुतुब अब्दाल तो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हदीस में फरमाया गया है कि जब कब्रस्तान से गुजरो तो वहां कहो सलाम अलैकुम या अहलल, कहा जाएगा ना या अहलल कुबूर। सलाम किसको किया जाता है, जिंदे को कि मुर्दे को? यह तो बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, जवाब अच्छा है आपका। सलाम किसको किया जाता है, जिंदे को, यही है ना? तो ठीक है, अभी जब आप यहां से आप लोग तशरीफ ले जाइएगा तो अब रास्ते में अगर कोई बैल मिल जाए, गाय का नाम डर के मारे मैं नहीं लूंगा भैया, मुझे डर लगता है, अगर कोई बैल मिल जाए तो कहिएगा कि हमने भरी महफिल में अख्तर हुसैन कादरी के सामने एतराफ किया है कि सलाम जिंदे को किया जाता है, जनाबे बैल मोहतरम आप भी अभी जिंदा हैं, लिहाजा अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। घर पे जाइएगा, मुर्गी अगर बंद होगी और वो आपको देख करके आवाज लगाए तो आप समझ जाइएगा कि अभी जिंदा है, और यहाँ कह के जा रहे हैं जिंदे को सलाम किया जाता है, मुर्गी सलाम अलैकुम, इसलिए कि अभी हम कह करके आए हैं कि जिंदे को सलाम किया जाता है, तू भी तो अल्लाह के करम से जिंदा है, चल मुर्गी सलाम अलैकुम। बकरा मिल जाए तो कहिएगा अरे कुर्बानी का बकरा बनने वाला है तो चल दे तुझको भी सलाम करता हूँ, बकरा सलाम अलैकुम। आप ही बोले हैं कि जिंदे को सलाम किया जाता है, तो बताइए वो जिंदा है आप उसको सलाम कर। फिर फंस गए आप लोग, जवाब तो सही दिया मगर फंस गए। मेरे भाइयों सुनो, दीन क्या है, ईमान क्या है, खुदा की कसम कयामत आ जाएगी मगर कोई अहले सुन्नत के अकीदे को गलत नहीं साबित कर सकता है। कयामत तक इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात का चेहरा चमकता रहेगा, धमकता रहेगा, और उलमा अपने कौम के ईमान की हिफाजत का सामान फराहम करते रहेंगे। जिंदे को सलाम किया जाता आपने कहा, तो मुर्गी सलाम अलैकुम, बकरा सलाम अलैकुम करते हैं नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते, वही तो जिंदा है, क्यों नहीं करते हैं? आप कहेंगे हजरत वो जवाब में थोड़ा सा रह गया था, एक सतर छूट गई थी, हम पूछेंगे क्या कहा हजरत वो आगे थोड़ा, जिंदा हो और उसके अंदर समझने की, हाँ अभी सही बोले, ये छूट गया था ना, तो जिंदा भी हो और उसके अंदर समझने की, सलाम उसी को किया जाएगा। बकरा चूंकि जिंदा तो है मगर उसके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जिसे सलाम किया जाएगा उसके बारे में आपको ये अकीदा रखना पड़ेगा कि ये जिंदा भी है, और ये सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि इसके अंदर समझ बूझ भी है। बताइए बहिरे को सलाम करेंगे कि सुनने वाले को? बोलिए अंधेरा के आगे रोवे अपना दीदा होवे, बोलते हैं ना, तो बताइए आप बहरे को सलाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम तो सुन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सुनता हो सलाम उसको किया जाता है, जिसके पास शऊर हो सलाम
उसको किया जाता है, जिसके पास जिंदगी हो सलाम उसको किया जाता है। रसूले पाक फरमाते हैं, जब तुम कब्रों पे जाओ, कब्रस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहल अल कुबूर। ये बीच में या भी है, ये वही या है जिसमें लोग झगड़ा करते हैं। अगर कब्रों के लिए आपने कह दिया या अहल अल कुबूर तो चलेगा, मगर या गौस अगर कह दिया तो कलेजे पे सांप लौटने लगता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।